आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है, आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका ECLE के चैनल पर और आई होप आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप ECLE के साथ अंग्रेजी सीख रहे होगे फैंटेस्टिक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को वीडियो लेक्चर में। और आज हम वीडियो लेक्चर में, हमने कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्लास की थी, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ फैंटेस्टिक वे में। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने कल की क्लास पढ़ ली है और वो भी नए तरीके से जो अपडेटेड है। अगर वो क्लास आपने नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो को देख सकते हो, आइकॉन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप ECLE के चैनल पर जाकर नीचे वाले सब्सक्राइब के नीचे वो बटन रहता है उस पर जाकर, चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आपके लिए वोकैब लाता हूँ हर बार की तरह, आज भी हम वोकैब लाए हैं आपके बीच। तो फर्स्ट वोकैब है, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी और फटाक से, 5 वोकैब हैं, आपको सेंटेंस भी बनाने हैं वोकैब के। ओके, तो फर्स्ट है, आप देख लो बहुत ध्यान से, पहला है, इसके सेंटेंस बनाने 5 हैं। यह ट्रीजर, TREASURE, ट्रीजर मीन्स क्या होता है? खजाना, खजाना। ट्रीजर मीन्स क्या होता है? खजाना, जो पैसा वगैरह मिलते हैं ना, पैसे जिसमें ही राजा आ रहा था, आपने सुना होगा खजाना, बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति, उस समय को क्या बोलते हैं? ऐसे हम बोलते हैं ट्रीजर, TREASURE, ट्रीजर बोल सकते हैं। तो जैसे हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि सरकार के पास खजाना है, गवर्नमेंट हैज ट्रीजर, गवर्नमेंट हैज ट्रीजर, बन गया, बिल्कुल बन गया। नेक्स्ट मीनिंग है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आपने सुना होगा खाद होती है, जो खाद बोलते हैं ना, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, किसान यूज़ करते हैं, हम लोग भी घर पर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर, खाद का उपयोग करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, खाद, रासायनिक खाद ही बोल सकते हैं, या फिर हम एक मीनिंग और होती है मैन्योर होती है, ठीक है, मैन्योर, या फिर हम इसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, खाद बोलते हैं, दवाई बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसान खाद का उपयोग करता है, किसान खाद का उपयोग करता है, बोल सकते हैं फार्मर यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, आपने ये मीनिंग देखी होगी। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह बूस्ट, बूस्ट मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना, बूस्ट मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना, BOOST, बूस्ट, आपने भी सुना होगा, बूस्ट मीन्स बढ़ावा देना इसको, या किसी को बढ़ाना। तो हम बोल सकते हैं कि सरकार किसान बिल को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार किसान बिल को बढ़ावा देना चाहती है, सेंटेंस बनाइए, सरकार, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बूस्ट बिल ऑफ फार्मर्स। ओके, बोल सकते हैं। दूसरा क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना, क्वाइट करना, क्वाइट, एक शांत रहने, क्विट, सॉरी इसको होता है क्विट, QUIT, क्विट, आई क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, क्विट मीन्स छोड़ना, वह तुम्हें छोड़ना चाहती है, वह तुम्हें छोड़ना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू क्विट यू। ओके, दूसरा एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निकालना, जो एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? निकालना, किसी चीज़ को निकालना, जैसे कि हम जूस निकालते हैं, जैसे गन्ने का जूस की हम बात करें तो उसको हम का, उसका हम जूस निकालते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट पीते हैं, जो उसका जो रस होता है, जो हम बोलते हैं ना, वो क्या है? वो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, और जो गन्ने से जो निकला वो भी एक्सट्रैक्ट की तौर पर है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हम गन्ने से जूस निकालते हैं, वी एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम शुगर केन। ओके, हम बोल सकते हैं ऐसे, हम ट्रांसलेट प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने कॉपी पर लिख ही लिया होगा, इसके सेंटेंस बनाने हैं। ECLE के जो कमेंट बॉक्स हैं, स्टूडेंट लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, आप उस पर सेंटेंस बनाइए, आप वोकैब को भूलेंगे नहीं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, और हम फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को। ओके, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं फटाक से, मैंने इसको मिटा दिया है, और आज हम पढ़ेंगे
पास्ट कॉन्टिन्यूस। कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़े थे, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो पहचान तो पता ही आपको कि फेमस पहचान है। फेमस पहचान कौन सी, रहा था रहे थे। तो हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। क्या भैया, रहा था, ठीक है, रहा था, रहे थे और रही थी। तो ये आपने अक्सर जो आपने क्लास पढ़ी होगी अगर पहले तो देखा होगा, रहा था, रही थी। और अब दूसरा क्या होता है, दूसरा बता भैया, हुआ था, हुई थी और हुए थे। हुई थी। तो हम बोल सकते हैं जो हमने कल की जो मीनिंग लिखी थी, जो आपने पता होगा कुछ स्पेशल वर्ड लिखे थे, तब वो भी इसमें यूज हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लो फिर से। जैसे लिख लिया सिट, स्लीप, स्टैंड, ठीक है, स्टिक, कीप, पुट, हैंग, कीप, पुट, हैंग, ले। इतनी मीनिंग थी, सेट, स्लीप, स्टैंड, स्टिक, कीप, पुट, हैंग और ले, ठीक है। एक आध अगर कोई मीनिंग छूट गई हो तो आप पिछली बारी क्लास देख सकते हैं। तो अगर ए बार ही वर्ड आए तो ये भी किस सेंटेंस में बनाएंगे, ये हम कॉन्टिन्यूस से बनाएंगे। अब पास्ट में प्रेजेंट में उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी कि सिट मींस होता है बैठना, स्लीप मींस सोना, स्टैंड मींस खड़े होना, स्टिक मींस चिपकना, कीप मींस रखना, पुट मींस भी रखना होता है, हैंग मींस लटकना होता है और ले मींस होता है पड़ा रहना। क्या होता है, ले मींस पड़ा रहना, ओके। तो ये मैंने आपको बताया था, तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। रहा था, रही थी, तो आप इसको भी मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह रहेगी, ओके। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फिर हम सेंटेंस पे जाते हैं, सेंटेंस हम बनाते हैं सेंटेंस। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि मोहन जमीन पर पड़ा हुआ था, वे घर में बैठे हुए थे, वह घर में बैठे हुआ था, ठीक है। मोहन सोहन से मिलने आ रहा था, ठीक है, हो गया। निकिता किताब में, निकिता किताब में पढ़ रही थी, या किताब पढ़ रही थी, किताब, निकिता किताब पढ़ रही थी, ठीक है। पुष्पेंद्र दौड़ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं। और ये तो मैंने छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, बोल सकते हैं, और ये हम बोल सकते हैं उदाहरण तौर पर, जैसे छिपकली चिपकी हुई थी, मोबाइल का चार्जर लटका हुआ था, बोल सकते हैं, पंखा लटका हुआ था, फोटो टंगी हुई थी या लटकी हुई थी, हम बोल सकते हैं, पेन रखा हुआ था, दरवाज़ा लगा हुआ था, पानी भरा हुआ था, हम सोए हुए थे। इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। जो इसकी पहचान है मैं बता दूं, ओके। वैसे तो बताता हूं कि आई के साथ बोझ लगता है, ठीक है, आई के साथ बोझ लगता है, और ही, शी और इट के साथ भी बहुत लगता है। जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं। इसकी 6 स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ओके, जो कि हम पढ़ते आए हैं अभी तक की, जो आप समझ गए होंगे हमें कैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ओके। सबसे पहले देख लो भैया क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस
वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड. ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर. वॉज ऑब्लिक वर आपको क्लियर होगा, मैंने ट्विटर में बताया था कि वॉज ऑब्लिक वर कहाँ लगेगा किस क्रिया के साथ, तो आप समझ जाओगे कहाँ पर. ओके, और हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं जिन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर के बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं. ओके, प्लस वर को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. हो गया, बिल्कुल हो गया. नेक्स्ट ऐसे यहाँ के देख लो भैया, क्या है वॉज ऑब्लिक वर, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट. ओके, प्लस वर को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, वर को फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, जैसे हम हर बनाते हैं. ओके, ऐसे नेक्स्ट देख लो, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ध्यान रखना सही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ओके, ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड पे आते हैं. क्यू डब्ल्यू वॉज ऑब्लिक वर, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड. ओके, ऐसे ही हम बना लेते हैं. ओके, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव बोलते हैं. ओके, तो फिर सब वॉज ऑब्लिक वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड. ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रक्चर में कैसे बनाना है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वॉज ऑब्लिक वर्ब कहाँ लगेगा, ही शी इट, ही शी इट तथा सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, किसी नाम के साथ हम वॉज लगाएंगे और आई के साथ वॉज लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और यू वी दे यू और दोस्त के साथ हम वर्ब उपयोग करेंगे प्लस किसके प्लूरल के साथ. ओके, सिंगुलर प्लूरल आई होप आप समझ गए होंगे, प्लस प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे. ओके, तो आप समझ गए होंगे. ओके, तो हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है वे, मैं वाला बनाता हूँ, वे घर में बैठे हुए थे, क्या बनाएंगे, वे घर में बैठे हुए थे, हुआ तो हुए थे हमने पढ़ा है ना. ओके, हुए थे, तो सब्जेक्ट क्या भैया, वे मीन्स वे, तो हमने बताया ना दे के साथ वर लगता है, दे वर सिटिंग इन होम, वे घर में बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग इन होम. ऐसे नेक्स्ट दूसरा बना लो, वे घर में नहीं बैठे हुए थे, क्या आएगा भैया, दे वर नॉट सिटिंग इन होम, क्या वे घर में बैठे हुए थे, क्या वे घर में बैठे हुए थे, क्या आएगा भैया, वर दे सिटिंग इन होम. ओके, वे घर में कहाँ बैठे हुए थे बोल सकते हैं, या कब, वे घर में अपन बोलते हैं कब, वे घर में कब बैठे हुए थे, कब मीन्स होता है वैन, डब्ल्यू एच ई एन, वैन वर दे सिटिंग इन होम, हो गया, बिल्कुल हो गया. ओके, एक हम भूल गए हैं जो हम बना देते हैं, क्या वे घर में नहीं बैठे हुए थे, जो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, क्या वे घर में नहीं बैठे हुए थे. ठीक है, लास्ट वाला बनाते हैं, क्या आएगा भैया, वर दे सिटिंग इन होम. ओके, वी हैव यूज्ड, फिर हम बनाते हैं, वे घर में कब नहीं बैठे हुए थे. ओके, कब, तो आएगा व्हेन वर दे के बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट सिटिंग
इन होम। ओके, तो इस प्रकार हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं। हमें किस प्रकार हमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले कैसे बनाया, वे घर में बैठे हुए थे, रहा था रही थी वो अलग है, हुआ था हुए थे ये भी इसकी पहचान है। वे घर में बैठे हुए थे कहेगा दे वर सिटिंग इन होम, वे घर में बैठे हुए नहीं थे। दे वर नॉट सिटिंग इन होम, क्या वे घर में बैठे हुए थे। वर दे सिटिंग इन होम, क्या वे घर में बैठे हुए नहीं थे। वर दे नॉट सिटिंग इन होम, वे घर में कब बैठे हुए थे। वैन वर दे सिटिंग इन होम, वे घर में कब नहीं बैठे हुए थे। वैन वर दे नॉट सिटिंग इन होम। इस प्रकार हम ट्रांसलेट हम कर सकते हैं, इस प्रकार हम सेंटेंस आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। मोहन जमीन पर पड़ा हुआ था, मोहन वॉज लेइंग ऑन लैंड, मोहन जमीन पर पड़ा हुआ नहीं था। मोहन वॉज नॉट लेइंग ऑन लैंड, क्या मोहन जमीन पर पड़ा हुआ था। वॉज मोहन लेइंग ऑन लैंड, क्या मोहन जमीन पर पड़ा हुआ नहीं था। वॉज मोहन नॉट लेइंग ऑन लैंड, मोहन जमीन पर किस लिए पड़ा हुआ था। फॉर वॉट वॉज मोहन लेइंग ऑन लैंड, मोहन किस लिए जमीन पर पड़ा हुआ नहीं था। फॉर वॉट वॉज मोहन नॉट लेइंग ऑन लैंड, हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा जो हम मैं आपको बताने वाला ECLE का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ECLE का जो इंग्लिश स्पोकन बैच है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप जाना इंग्लिश स्पोकन बैच पर और वहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब सारा ख्याल रखें।